हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस दाल बाटी और दाल बाफले के साथ में खाया जाने वाला चूरमा। एक ही मिक्सचर से हम चूरमा और मोदक दोनों बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। एक ही मिक्सचर से चूरमा और मोदक कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन अगर आपका मोटा है तो फिर सूजी नहीं जाएगी। मेरा बेसन बारीक है, मार्केट से जो पैकेट लेके आते हैं वो है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी सूजी डाल दी है। बेसन अगर मोटा है तो उसके साथ में सूजी की जरूरत नहीं है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे पानी से गूंथ रही हूँ। अगर आप चाहें तो 4 से 5 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं मोहन के लिए, मुझे ज़रूरी नहीं लगा इसीलिए मैं पानी से ही डो बना रही हूँ बेसन का। और ये डो हमें बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा ढीला नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम चाहिए। इस तरह से ये डो बिल्कुल तैयार है। अब हमें छोटी छोटी इसकी पूरियां बना ली हैं। इस तरह से हाथ से ही कर लेंगे, थोड़ा फैला देंगे हाथ से। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह से पूरियां बना लीजिए छोटी छोटी, या फिर आप मुठिया भी बना सकते हैं। इस तरह की मुठिया बना के सेक लीजिए तो इससे भी बन जाती हैं। लेकिन इस तरह की मुठिया बनाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा घी चाहिए होगा, कम से कम 1/2 कड़ाही घी चाहिए फ्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारी पूरी बनाई है जिससे कि कम घी में ही सिक जाए। तो घी गर्म हो गया है और यहाँ पे जो हमने पूरी बनाई है वो हम डाल देते हैं। एक बार में सिकने के लिए कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाता है। गैस का फ्लेम हम सिम टू मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। उलट पुलट करके सेक लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम निकाल लेंगे। ऊपर से अच्छी क्रिस्पी हो गई है, कलर चेंज हो गया है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पूरी सेक लेंगे। एक बार की पूरियां तो सिक गई हैं, अब हम यहाँ पे बची हुई पूरियां भी डाल देते हैं और उसी तरह से सेक लेंगे। मैंने सारी पूरियां इसी तरह से बना ली हैं और ये भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ठंडा करने के लिए हम इस तरह से तोड़ के रख देंगे जिससे कि अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर हम पीसेंगे। तो गरम गरम में मिक्सी के जार में नहीं डालना है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी मिक्सी के जार में डालेंगे और इनका पाउडर बना लेना है। फिर ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है अच्छे से। अगर आप चाहें तो छान भी सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बूरा डाल दिया है। बूरे में इस तरह की गठानी होती हैं छोटी छोटी, तो इस तरह से जब हम हाथ से मसलते हैं तो आसानी से निकल जाती हैं। बूरे की जगह आप तगार भी ले सकते हैं, तगार भी नहीं है तो फिर आप चीनी को पीस के भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए गठाने सारी निकल चुकी हैं, बस अब हम सारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम सभी को मिक्स कर देते हैं। और ये काजू और बादाम थोड़े से मैंने कट करके डाल दिए हैं, चाहें तो आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और फिर मिक्स करेंगे। तो ये राजस्थान का बहुत ही फेमस चूरमा है, अक्सर दाल बाटी और दाल बाफले के साथ में खाया जाता है। बहुत ही फेमस है ये राजस्थान में। और ये चूरमा तो बनके तैयार हो चुका है। अब हमें इसी मिक्सचर में से मोदक भी बनाना है। तो जितना मोदक बनाना है उतना हम रहने देंगे पार्ट, और जितना हमें चूरमा चाहिए वो अलग से निकाल देते हैं। तो चूरमा वाला पार्ट मैं निकाल देती हूँ और मोदक के लिए रख लिया है मैंने ये। तो मोदक वाला पार्ट में हम घी डालेंगे और ऊपर से जो कढ़ाई में बचा हुआ घी था वही मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मलाई बिल्कुल फ्रेश लेनी है, 1 दिन की या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की, बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं लेनी है। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जितना लगेगा उतना घी और मलाई हम यूज़ कर लेंगे। तो मैंने तो यहाँ पे केवल घी डाला है, मलाई यूज़ नहीं की है। अगर आप चाहें तो मलाई यूज़ कर सकते हैं। तो हमें मिक्सचर ऐसा चाहिए जैसे कि लड्डू बन जाए अच्छे से। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन रहा है। अब हम इसी तरह से मोदक का शेप दे देंगे, बस ऊपर से इस तरह से प्रेस करते जाना है।
अगर आप चाहें तो मोल्ड से भी बना सकते हैं। मोदक के जो मोल्ड आते हैं मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं इस टाइम पे, तो उससे भी बना सकते हैं और इस तरह से हाथ से भी आसानी से बन जाते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैंने सारे मोदक बना के रख लिए हैं। ये मोदक तो बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ही मिक्सचर से किस तरह से चूरमा और मोदक बनाना है वो आपने देख लिया है। तो ये रहे सारे मोदक और ये रहा चूरमा। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। और भी मिठाइयों के वीडियोस मैंने बना के डाले हैं चैनल पे, तो वो भी आप ज़रूर चेक करें। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए चूरमा और मोदक हमने एक ही मिक्सचर से बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं खाने में।